एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, हम कहां कहां सुपरपोजिशन को अप्लाई करते हैं। पहला इंटरफेरेंस, जब और सुपरपोजिशन सिर्फ साउंड वेव में नहीं लगती, रस्सी के अंदर वेव्स हैं उसमें भी लगती है, साउंड वेव में भी लगती है और इवन लाइट में भी लगती है, दुनिया की हर वेव में सुपरपोजिशन लगती है, जो मर्जी वेव ले लें आप, एक्सरे या एक्सरे में सुपरपोजिशन लग सकती है। तो इसमें अगर दो वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन आपस में मिलती हैं एंड सुपर इम्पोज होती हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि दो वेव्स क्या कर गई, इंटरफेयर कर गई, प्रोवाइडेड दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम। लेकिन अगर वो दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं, फ्रीक्वेंसी सेम है ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती हैं, तो हम बोलते हैं कौन सी वेव जनरेट हो गई, स्टेशनरी वेव्स, या दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव जनरेट हो गई। तीसरा, अगर आपके पास दो वेव्स हैं और ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन अगेन सुपर इम्पोज हो जाती हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, थोड़ी सी डिफरेंस है, ज्यादा नहीं पर सेम नहीं होनी चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, क्या जनरेट हो गई, बीट्स। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो इंटरफेरेंस, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है तो बीट। बीट्स म्यूजिक में वर्ड यूज करते हैं, बीट्स बड़ी अच्छी है सॉन्ग की, तो उनमें डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होना चाहिए तो बीट जनरेट होंगी, वो क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस वन के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे, प्लस टू में लाइट में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे। ये प्लस टू का टॉपिक हो गया और ये प्लस वन का टॉपिक हो गया। क्लियर है कि कैसे चल रहा है, समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, इंटरफेरेंस साउंड में भी होती है, हम करते नहीं करते, हम प्लस टू में है तो आधी वेव प्लस वन में, आधी वेव प्लस टू में, ठीक हो गया यहां तक? तो ये दो टॉपिक्स हम करेंगे।